हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, 1 फरवरी 2019 को जो बजट में जो घोषणा हुई थी भाई, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो चलाई गई थी किसानों को 6,000 रुपए देने वाली, तो दोस्तों उसका पोर्टल लॉन्च हो गया है और 26 फरवरी से देखो आपकी सारी प्रोसेसिंग इसमें स्टार्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी सरकारी योजना संबंधित वीडियो डालें या फिर कोई भी सरकारी योजना संबंधित लेटेस्ट न्यूज डालें तो उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल लॉन्च, 26 फरवरी से देखे अपना नाम। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल जो इन्होंने लॉन्च कर दिया है, किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए मोदी सरकार ने अंतिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान किया था। इसके तहत 2 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले हर किसान को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद सीधे उनके खाते में डाली जाएगी। किसानों को यह पैसा 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त मार्च में दी जाएगी, लेकिन इस योजना का फायदा किन किसानों को मिलेगा इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बना दिया है। उस पर उन किसानों का नाम डाला जाएगा जिन तक यह आर्थिक मदद पहुंचेगी। सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल बन चुका है जो 6,000 रुपए वाला, जो किसानों को जो हर साल दी जाएगी 2,000 रुपए 3 किस्तों में, जो उसकी साइट दोस्तों यह है pmkisan.nic.in। डोमेन नाम वाले इस पोर्टल पर किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित नियम दिए गए हैं। पोर्टल में यह भी जानकारी दी गई है कि किस राज्य के किसान को इस किसान योजना के दायरे में आएंगे और कौन नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस पोर्टल पर सारी जानकारी दी गई है कि भाई कौन सा किसान आएगा, कौन सा इसके दायरे में नहीं आएगा। सरकार की इस योजना को अमलीजामा पहनाने की कई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब आपको हम बता देते हैं कि भाई कब से इसमें नाम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। 26 फरवरी से दिखाई देंगे किसानों के नाम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मुताबिक किसानों को सालाना 3 किस्तों में 2,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले किस्त मार्च में किसानों के खाते में डाली जाएगी। इसके लिए सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वह किसानों की सूची पोर्टल पर डाल दें। पोर्टल में किसानों के नाम डालने की अंतिम तारीख 25 फरवरी है। 26 फरवरी से पोर्टल में किसान अपना नाम देख सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो पोर्टल तो तैयार हो गया है, लेकिन नाम इसमें डाले जा रहे हैं। 25 तारीख तक ये नाम डाल देंगे और 26 से आप अपने साइट पर खोलकर देख पाओगे भाई, जो भी pmkisan.nic.in आप साइट पर अपना नाम भी चेक कर पाओगे। 28 फरवरी से ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे। पोर्टल पर किसानों के नाम की सूची अपलोड होने के बाद पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि रकम ट्रांसफर करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वह इस प्रक्रिया को 28 फरवरी तक शुरू कर देंगे। इसका फायदा यह होगा कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आचार संहिता की वजह से ये 28 फरवरी को ही काम स्टार्ट कर देंगे अपना पूरा, जो भी किसानों का जो किसानों की 6,000 रुपए सालाना देने गए उसको लेकर। चुनाव आयोग ऐलान कर चुका है कि भाई आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान मार्च के पहले सप्ताह में भी हो सकता है। 1 दिसंबर 2018 से पहले लागू हो गई है दोस्तों 6,000 रुपए वाली योजना, इसलिए इसकी पहले किस्त 31 मार्च 2019 से पहले पहुंचानी होगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 1 फरवरी को पेश बजट में पीएम किसान योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत देश भर के करीब 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 4-4 महीनों की 3 किस्तों में 6,000 रुपए सालाना दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, यानी कि 5 एकड़ से कम उनके पास जमीन है। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो के साथ बने रहे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला ही होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी संबंधित रिश्तेदारों फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दे। और मेरे नए मामले से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत।